शुरू किया भारत के मन की बात अभियान। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बताया अनूठा प्रयोग, देश भर में लोगों से बातचीत कर संकल्प पत्र भी करेंगे जारी। लखनऊ में कांग्रेस के महिला विंग ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के खिलाफ हो रही अभद्र टिप्पणी का किया विरोध, आईजीएस के भगत को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की करी मांग। झांसी में खिलौना सिनेमा घर पहुंची उमा भारती, भाजपाइयों के साथ देखी फिल्म मनी करने का, पीएम मोदी की जीत का किया दावा। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा ने प्रियंका गांधी को लेकर जारी किया बयान, कहा केवल प्रियंका भीड़ जुटा सकती हैं, वोट मिल जाएंगे ये कहना होगा जल्दबाजी। कुंभ में मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब, 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, महामंडलेश्वर और साधु संतों ने भी लगाई आस्था की डुबकी। प्रदेश में कई इलाकों में बढ़ी ठंड, गाजियाबाद में छाया घना कोहरा, लोगों को आने जाने में हो रही है खासी परेशानी। कुशीनगर में दबंगों का कहर जारी, ट्रैक्टर से कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट, जमीन विवाद को लेकर की हत्या। कानपुर के बिठूर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने युवक के सर पर डंडे से किया हमला, पुलिस जांच में जुटी। जौनपुर में ट्रेन की चपेट में आने से हुई बुजुर्ग दंपति की मौत, ट्रैक के किनारे बच्चे को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, पुलिस छानबीन में जुटी। देश भर में मनाई जा रही सोमवती मावस, धर्म नगरी हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, 90 साल बाद एक ही दिन पड़ रही है मौनी और सोमवती अमावस्या।